सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी रामलला की जन्मस्थली के नाम से जानी जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि रामलला का पूरा इतिहास अयोध्या से ही जुड़ा है और यही भगवान राम के मंदिर होने का भी सबूत मिला है। वहीं मंदिर और मस्जिद दोनों को लेकर मंदिर निर्माण का कार्य पिछले 500 सालों से अटका हुआ था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को शुभ मुहूर्त देखकर अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। वहीं भूमि पूजन के बाद से ही पूरे भारत में खुशियों की लहर है। सौ वर्षों बाद आज राम मंदिर का अयोध्या में भूमि पूजन हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये हम पूरे देशवासियों का, भारत का सौभाग्य है कि 500 वर्षों बाद हमें ऐसा एक नेता मिला जिसने इस ये अवसर हमें प्रदान किया। पूरे देश, दुनिया, पूरे हिंदू समाज सबके लिए एक सौभाग्य का अवसर है जो आज भगवान श्री राम का भूमि पूजन अयोध्या में हुआ है। हमने भी यहाँ अपने बजरंग नगर गीता बावड़ी मंदिर पे हमारे सारे जो श्री राम सेवा समिति के माध्यम से पिछले 2 दिनों से तैयारियाँ कर रहे थे, लोगों का अवेयरनेस के ये हमारे लिए किसी दीपावली से कम नहीं है, हर घर घर में दीप जलाएं और एक उत्सव के रूप में उसको सभी मनाएं। हमने पूरे अपने मोहल्ले में, आसपास अपनी कॉलोनी में सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से इस उत्सव को एक दीपावली, एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाया। हम लोग बहुत ही खुश हैं, ये जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है 500 वर्षों बाद, गर्व के साथ हम हमारे जो ये नेता हैं मोदी जी, उन्हें हम सलाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी देशवासी। और बड़ा उत्साह है सभी में, हम लोग सुबह से सभी लोग तैयारी कर रहे थे ये इस उत्सव को मनाने के लिए। जो खुशी है वो तो कोई उसे क्या कैसे, हमारे पास शब्द नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए। तो हम सभी का सौभाग्य है, सारे देशवासियों का, कि ये समय आया और हम देख पाए। हमारे इस पीढ़ी के लिए मैं कहता हूँ कि भाई इस पीढ़ी के लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी बने, जो भूमि पूजन हुआ है भगवान श्री राम का मंदिर का, उनके घर का, तो हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। आपका परिचय? मैं विनोद गंगोरे, बजरंग नगर, और ये हमारे सभी सदस्य हैं या समिति के जो निस्वार्थ भाव से यहाँ निरंतर लगे रहते हैं बाबा की सेवा में, मंदिर की सेवा में और जन सेवा में। पूरे कोविड में भी हमारा पूरा समिति के माध्यम से, यहाँ कोरोना काल में भी सभी लोगों का सहयोग किया गया, घर घर जाके जो भी उनकी आवश्यकता थी सभी के लिए। सामाजिक कार्य हम लोग इस मंच के माध्यम से, समिति के माध्यम से करते हैं। बस यही भगवान श्री राम।